नमस्कार, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं आईएसएन 7 न्यूज चैनल और फिलहाल हम हैं एमपीएस में और हमारे साथ हैं डायरेक्टर मिस्टर तारकचंद शास्त्री जी जो अपने विचार व्यक्त करेंगे। जी सर, दिवाली का अवसर है, दिवाली के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली एक सांस्कृतिक, सामाजिक और एक अन्याय पे विजय के जीत का पर्व है। जी, भगवान राम रावण को पराजित करके जी अयोध्या में लौटे थे, उनकी खुशी में ये त्यौहार 1,70,00,000 साल से मनाया जा रहा, जो इनको भगवान राम का जन्म हुआ जो। तो आज मैं चाहता हूँ, और ये त्यौहार ऐसा है कि अंधकार को मिटाता है, प्रकाश जगाता है, तो हम सबको प्रकाश चाहिए, खुशी चाहिए। बिल्कुल, तो मेरी शुभकामनाएं हैं सबके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रत्येक जाति के लिए, अमीर गरीब सबके लिए। मैं चाहता हूँ ये जैसे एक दीप सबको रोशनी देता है, ऐसे ही हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि दूसरों के हित में वो उसके जीवन को खुशी में भर दे। अब अनीश भाई जी, पहले तो आप अपने आप परिचय प्लीज। मेरा नाम अनीश कुरैशी है जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी का, राष्ट्रीय लोकदल का, और आज दिवाली के शुभ अवसर पर पहले तो मैं सभी लोगों को, देश और प्रदेश के लोगों को बहुत 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 दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए ये उम्मीद करूंगा कि खुदा करे ये दिवाली तमाम लोगों के घरों में दिए की तरह जैसे रोशनी होती है, इसी रोशनी की तरह दिवाली मनाई जाए और तमाम घरों में मोहब्बत और प्यार पैदा हो। और राष्ट्रीय लोकदल ये चाहता है कि अगर ईद हो तो हिंदू भाई भी गले मिलके ईद मनाए, और अगर दिवाली हो तो मुस्लिम भाइयों के भी घर पर दिए जले, और जो लोग फिरका परस्ती सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं उसे जड़ से उखाड़ने का संकल्प आज दिवाली के दिन इस शुभ अवसर पर हम मिलकर हिंदू और मुसलमान भाई कसम खाएं कि ईश्वर और खुदा एक है, जो लोग भाई से भाई को लड़ाने की साजिश करते हैं उनका नामो निशान मिटाने की कसम खाएं इस शुभ अवसर पर।